तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूला, डेट एंड टाइम कैलकुलेशन इन द एक्सेल। एक्सेल फॉर्मूले की हमारी अगली कैटेगरी, हमने दो कैटेगरी पे जिक्र किया, डेट पे, सॉरी इस पे, इफ कंडीशंस पे और टेक्स्ट कैलकुलेशन पे। हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशंस पे। और विकी जसपाल जी आज हमारे साथ, योगिता जी है जो कि एज ए डेमो ज्वाइन किया उन्होंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फीचर। तो हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले आप समझिए डेट का फॉर्मेट कौन सा है। जो हम डेट लिखते हैं वो डेट बेसिकली आप डिपेंड करता है आपके सिस्टम के डेट फॉर्मेट पे। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट सिस्टम सेटिंग रख रखे हैं तो आपका डेट का फॉर्मेट होगा DD MMDDYY, मतलब कि मंथ डेट ईयर। मतलब कि मान लीजिए आज का डेट लिखना है मेरे सिस्टम में, तो हमें यहाँ लिखना होगा कि पहले महीना, फिर दिन, फिर आपका ईयर, जैसे कि 4/3। तो 4/3 हमने कर दिया। अब क्या है कि अगर डेट करेंट ईयर का हो तो ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, आप एंटर मारिए ईयर आ जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर हो तो लिखना पड़ेगा। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका सिस्टम का फॉर्मेट MMDDYY नहीं है, DDMMYY है, तो आपके पास ये बन जाएगा डेट 4 मार्च। मेरा जो महीना है वो आपका डेट हो जाएगा और आप मेरा डेट आपका महीना बन जाएगा, मतलब कि स्वैप हो जाएगा डेट और महीना। तो ये दिक्कत है क्योंकि बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि या इंडियन गवर्नमेंट की साइड है जो कि वो इंडियन फॉर्मेट रखते हैं इंस्टॉल सिस्टम इंस्टॉल करते समय, तो उनका MMDDYY नहीं DDMMYY होता है। तो ऐसे सिस्टम पे अगर कोई डेट आपको भेजना हो तो आप फॉर्मूले में भेजें, आप डेट फॉर्मूला लगा लें कि डेट ईयर में 2019 दे दिया मैंने, मंथ दे दिया मैंने 4 और डेट दे दिया हमने 3। तो यहां पे क्या है कि अब किसी भी सिस्टम पे जाएगा तो ये हमेशा 3 अप्रैल ही रहेगा, 3 अप्रैल ही रहेगा, वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लीजिए, अगर मुझे इसको ये तो मैनुअल लिख दिया, लेकिन किसी डेट के अकॉर्डिंग करना हो तो डेट में से अलग करने के लिए हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है जो कि ईयर को अलग करता है, मंथ का फॉर्मूला है जो कि मंथ को अलग करता है, और हमारे पास डे का फॉर्मूला है जो किसी पर्टिकुलर डेट में से डे को अलग करता है। और वापस आपने देखा है डेट का फॉर्मूला जो कि हमने तीनों को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया। तो डेट ईयर मंथ डे किसी पर्टिकुलर डेट में से ईयर मंथ डे को स्ट्रैक करने का फॉर्मूला होता है, और डेट तीनों का कंबाइन करके फिर वापस डेट बना देता है। हालांकि इसका इतना यूज नहीं, इसके आगे और भी यूजेज हैं जो देखेंगे आप। अब बात करते हैं कि करेंट सिस्टम डेट लिखने के लिए आप टुडे फॉर्मूला लिख दें, ये आपको हमेशा करेंट सिस्टम डेट देगा और ये हमेशा चेंज होते रहेगा। अब बात करते हैं हम एडिशंस की, कि अगर किसी पर्टिकुलर डेट में 2 दिन जोड़ के मैं 2 दिन बाद का डेट मुझे पता करना हो तो आप जस्ट डेट में नंबर ऑफ डेज को ऐड कर दे तो रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट में अगर मुझे 3 महीने जोड़ने हैं तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 30 मत कीजिएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 3 मत कीजिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा ई डेट का, ई डेट, और डेट को सिलेक्ट कीजिए और मंथ को सिलेक्ट कीजिए। नंबर फॉर्मेट में आया, इसमें आप कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए तो डेट फॉर्मेट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट हैश। अगर आपको डेट मान लो 3 महीना पीछे का डेट देखना है तो आप -3 कर दीजिए तो 3 महीना पीछे का डेट दिख जाएगा, प्लस करेंगे तो जो भी नंबर ऑफ मंथ ऐड करना चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। अब इसमें ये तो हो गया आपका डेट में। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डेट में मुझे 2 साल 4 महीने और 26 दिन ऐड करने हैं तो यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर वाले कंसेप्ट को लेकर चलेंगे तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखिए।
हमने डेट लिया और हमने ईयर इसमें से निकाला, तो इसमें से क्या करेगा, 2019 को अलग कर देगा, और 2019 में हमने प्लस कर दिया 2, क्योंकि 2 साल प्लस करनी है। फिर हमने यहाँ पे मंथ किया, और ये मंथ फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें से 4 महीना ऐड करेगा, 4 को ऐड करेगा और +4 कर दीजिए। फिर हमने यहाँ पे वापस डे का फॉर्मूला लगाया, और डे क्या करेगा, इसमें से 3 दिन अलग करेगा और प्लस हमने 26 कर दिया। तो ऐसे इसको हम स्प्लिट करके ईयर मंथ डे को ऐड करके अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। योगिता जी एंड विक्की जायसवाल जी, समझ में आया आपको? विक्की जी, कोई डाउट इसमें? हेलो, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, समझ में आया आपको इस डेट की कैलकुलेशन? बिल्कुल सर। चलिए अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस की। जैसे कि हम दो डेट के बिटवीन कुछ डिफरेंसेस चाहते हैं, तो एक तो है कि अगर मान लो कि 2 दिन के बीच में कितने दिन का गैप है, तो आप जो है लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर देंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा। या अदरवाइज एक डेज का फॉर्मूला भी है, डेज, डेज फॉर्मूला भी है। डेट फॉर्मूला है, तो डेज फॉर्मूला में आप एंड डेट और स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए वर्किंग डे, मतलब कि मेरे कंपनी सैटरडे एंड संडे छुट्टी होता है, और ये हमारे कंपनी की हॉलीडे लिस्ट है, ठीक है? ऐसे में बहुत सारे लिस्ट है, जरूरी नहीं कि लिस्ट बिटवीन हो, आप पूरे साल का डेट्स दे दीजिए, हॉलीडे लिस्ट है आपका। तो मतलब कि छुट्टी के दिन हटा के और सैटरडे संडे हटा के कितने दिन हुए इन दिस बिटवीन डेट में, तो उसके लिए अब यूज करते हैं नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम हॉलीडे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, आपके सामने आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। उसके बाद अगर मान लीजिए यहां पे कि मुझे इसमें मेरी कंपनी सैटरडे को बंद नहीं होती है, संडे बंद होती है, या कोई पर्टिकुलर डे में बंद होती है, फिर गल्फ की कंट्री है जो तो फ्राइडे और सैटरडे बंद होती है, तो वीकेंड्स अपने हिसाब से चूज करने के लिए आप यहाँ पे नेटवर्क डेज डॉट INTL का इस्तेमाल करें, जिसमें आप स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करें, एंड डेट को सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आपको देगा नंबर ऑफ डेज, कौन सा डेज, कौन सा वीकेंड्स है वो आप दे दीजिए, और फिर आप अपना होलीडे लिस्ट सेलेक्ट कर ले, तो ये आपका 77 आ जाएगा। ये आपका डेज है, तो नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज INTL। अब नेटवर्क डेज INTL आपका जो 2010, 13, 16 में है, 7 में नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका, क्लियर है सर? तो 2 दिन का बीच का डिफरेंस हमने यहाँ पे निकालना सीखा। अब बात करते हैं, बताइए। सर ये एच एफ एक मिनट वापस से फॉर्मूले में बताएंगे, एच एफ ने जो लिया है ये हमारा होलीडे लिस्ट है, सैटरडे संडे या फिर जो वीकेंड्स के अलावा किस किस दिन ओके। कंपनी बंद रही है, और इसमें सर अगर मेरे को हाँ, दोनों एक साथ लेने हैं, सैटरडे और मान लीजिए जैसे गल्फ कंट्री से फ्राइडे और सैटरडे होता है, तो यहाँ पे दोनों लिस्ट, कॉमन। इसमें लिस्ट होता है, वो लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जहां पे हमने 11 नंबर दिया है ना यहाँ पे, तो 11 नंबर हाँ जो उस है वो संडे का है, एक नंबर ओके सैटरडे तो संडे का है, 2 नंबर संडे मंडे ट्यूजडे, दिख रहा है आपको? दोनों लगा सकता हूँ ना मैं, जैसे जैसे मान लीजिए फ्राइडे और 7 कॉमा नहीं 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 कॉमा नहीं करके लगा सकता नहीं 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 आपको 7 देना है, फ्राइडे और सैटरडे। हूँ। ओके आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी फ्राइडे को बंद होती है और मंडे बंद होती है,
तो फिर आपको यहाँ पे फ्राइडे को देना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें संडे देंगे, फिर दोनों के रिजल्ट भी दोनों का माइनस करेंगे आप। ओके, वो एक साथ नहीं आ सकता, एक साथ ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हमने क्या क्या डिफरेंस दिया और दोनों डेट दी तो मैं मुझे डिफरेंस निकल गया दो डेट के बीच में। अगर मैं बोलता हूँ कि आज मैं कंपनी, आज मैं कोई बैंक में गया और कोई एक एप्लीकेशन दिया आज के डेट में, और बैंक बोल रही है कि इसको वर्किंग होने में 14 दिन का वर्किंग टाइम लगेगा, तो आफ्टर 14 डेज कौन सा डेट पड़ेगा? जब मेरी कंपनी, बैंक हमारा सैटरडे संडे बंद होता है, तो उसके लिए हमारे पास आता है वर्क डे। वर्क डे को सिलेक्ट किया हमने स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे हमने होलीडे लिस्ट सिलेक्ट कर लिया, ये आपका आ गया डेट। लेकिन अगर आपकी कंपनी सैटरडे संडे के नहीं, संडे बंद होती है या कोई और दिन बंद होती है, तो जस्ट लाइक नेटवर्क डेज डॉट INTL, उस तरह से वर्क डे डॉट INTL होता है। इसमें आपने स्टार्ट डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा डेज को सिलेक्ट किया, और आपने चूज किए अपने होलीडे वीकेंड्स और सिलेक्ट किया होलीडे लिस्ट, और आपका डेट यहां पे अवेलेबल है। क्लियर सर? अब लास्ट क्वेश्चन कि मेरे पास मान लीजिए, पूछना तो नहीं चाहिए डेट, क्योंकि एज कोई भी अपना एज डिस्क्लोज नहीं करता है। मान लीजिए कि मेरे एक फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 90, राइट, और आज डेट हो गया ए, मुझे इसकी एज चाहिए कि कितने साल, कितने महीना और कितने दिन है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डेटेड इफ का। डेटेड इफ, इसमें हम स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट को सेलेक्ट करेंगे और यहां पे देंगे वाई, वाई फॉर ईयर, तो ये बता देगा कि 28 साल का है। सिर्फ फिर मैं यहां पे लगाऊंगा डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और फिर यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एम लगा दूं तो ए आ जाएगा एज इन मंथ, लेकिन मुझे 28 साल के बाद कितना महीना है वो पता करना है, तो मैं यहाँ पे वाई एम लगाऊंगा, तो हमारा 28 साल 5 महीना हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे M के बाद D, इसमें भी आपको D लगा दोगे तो एज इन द डेज आ जाएगा, और M D लगाया तो आप 5 महीने के बाद कितना दिन बचता है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो हमारे मित्र का एज हो गया 28 साल 5 महीना 24 दिन। ठीक है सर? तो योगिता जी एंड रक्षित जी, सॉरी बिक्की जी, समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके, तो मैंने इसको आपको भेजा है, अब इसकी प्रैक्टिस आप कर ले, क्योंकि आगे आपका टाइम का कैलकुलेशन है, तो आज इसको रहने देते हैं, क्योंकि और भी मोहन जी और रक्षित जी नहीं है किसी कारण से, तो उनको रिपीट करना पड़ जाएगा मुझे, तो आप जो है इस पर प्रैक्टिस कीजिए, राइट, क्योंकि डेट जब टाइम, कल जब क्लास खत्म हो जाएगी तो कल हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे डेट एंड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, राइट सर? आज आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं कि आप रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस करें, कुछ नई फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करें, और ये फाइल में जो अभी मैंने जिसपे मैं पढ़ा रहा था वो फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस में आसानी होगी। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय, गुड नाइट।